अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको खुश आमदीद करते हैं अली भाई के रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि आप बिना मैग्नेट कूलर के किस तरह 70 या 125 का मैग्नेट उतार सकते हैं या फिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, हमने ये इसका जो है मैग्नेट खोल लिया है, मैग्नेट टापा खोल लिया है। अब हमने ये गियर लीवर का 10 mm का बोल्ट इस जगह पर लगाना है, जैसे हम लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पर आपने जो है इसको बोल्ट को फंसा देना है। जब ये फंस जाएगा तो ये देखें इजीली ये जो मैग्नेट है हमारा लॉक हो जाएगा, हमें किसी भी मैग्नेट कूलर की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखें जिस तरह हम ये लगा रहे हैं, ये 10 नंबर का आपने गियर लीवर की शाफ्ट के साथ इस तरह फंसा देना है। और आम रूटीन में जैसे हम इसको 14 mm के पानी के साथ खोलते हैं, उसी तरह आपने खोलना है। ये देखें बहुत ही आसान है, किसी भी कूलर की ज़रूरत नहीं है। और फिट भी आपने जिस तरीके से करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि फ़िटिंग करने का क्या तरीका है। ये देखें आपने इसी तरह पीछे से पेचकस इसको अड़ा कर और आपने हल्की सी ऐसे चोट लगाएंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। ये देखें बहुत ही आसान है। और अब ये देखें फिटिंग करने का तरीका भी बहुत इजी है। ये देखें मैग्नेट हमने लगा दिया और ये बोल्ट हमने 14 mm का कस दिया है। ये बोल्ट देख सकते हैं, ये अब इसके बाद आपने जो है 14 नंबर की 10 नंबर की जो चाबी होती है इजीली ये आपने इस जगह पर लगानी है जैसे हमने लगाई है। ये देखें बहुत ही आसान है और किसी भी कूलर की हमें ज़रूरत नहीं है, इजीली ये देखें बहुत ही